हैं कांसा थाली के बारे में कि कांसा थाली कौन सी बीमारियों में आज बहुत ये चलन में है। पुराने समय से ही कांसा का बहुत ही ज्यादा उपयोग हुआ करता था। कांसा एक ब्रॉन्ज अच्छी धातु मानी गई है, धातुओं में अच्छी धातु होती है जिससे कि शरीर का शोधन क्रिया होता है। पहले के जमाने में लोग कांसा की वाटी लेकर के पैर में घिसा करते थे जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन होता था देसी घी के लगा करके। और खाने और शादियों में भी लोग कांसा को दिया जाता था, थाली और लोटा इसी का रहता था, है ना। लेकिन ये इसका रख रखाव, इसको मेंटेनेंस थोड़ा इजी नहीं होता, इसको बहुत घिस के साफ करना पड़ता है नहीं तो ये काले पड़ने लग जाते हैं और ये वेट वाइज भी बहुत ज़्यादा वजन होते हैं। तो वही ये कांसा है। आप देखेंगे कि हमें देसी घी से या नारियल के तेल से या तिल के तेल से भी आप इस तरह से डालेंगे। कांसा थाली है पूरी और इस तरह से मशीन, ये देखिए ऑफ है, ये हमने ऑन किया अपने से मशीन। पहले क्लॉकवाइज थोड़ी देर चलेगी, 5 मिनट 5 मिनट, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ये 10 मिनट है मशीन। टाइमर अपने से ऑलरेडी इसमें सेट हो जाता है और जो हमारा ऑयल गिरेगा वो नीचे गिर जाता है और बाद में आप पेशेंट को टिश्यू पेपर से पैर साफ करा सकते हैं। अगर रेगुलर कराया जाए तो बॉडी के अंदर अगर हीट प्रवृत्ति है, बहुत ज़्यादा शीत पित्त है, हीट बहुत बड़ा हुआ है, स्किन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, पित्त बड़ा है, एसिडिटी है, ज्वाइंट पेन है, कुछ लोगों को पैर में जलन होती है या डाइजेशन अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल अच्छा नहीं होता है, खान पान की, हालांकि उसमें खान पान का बड़ा रोल होता है, वो भी थोड़ा सा चेंज कराएंगे। अगर कांसा थाली का मसाज डेली लिया जाए, चाहे कोई भी हो, किसी भी बीमारी ना भी हो तो भी लेंगे तो शरीर का शोधन क्रिया होगा, शरीर अच्छी होगी, निरोगी काया होगी, तो एक रिलैक्सेशन के तौर पे आंखों की बीमारियां दूर होंगी, मुंह की बीमारियां, पेप्टिक अल्सर है, शरीर भारी लगता है, तो यह सारी बीमारियों के लिए कांसा थाली एक वरदान के रूप में है। तो आप भी अपने नियर बाई निकटतम सेंटर पे जा करके कांसा थाली का आनंद लें, इंजॉय करें, शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने आप को निरोगी करें। लेकिन उसको जहाँ पे भी आप करा रहे हैं उनको एक्यूप्रेशर का भी नॉलेज है क्या, क्योंकि इसका बेस एक्यूप्रेशर ही है, जो एक पॉइंट बने गए हैं। मान लो आपको साइनस है तो ज़्यादा टिप को हमें प्रेशर देना होता है, एड़ी को उठा के टिप के जैसे इस तरह से टिप को ज़्यादा प्रेशर करवाएंगे। मान लो पेशेंट को गैस एसिडिटी है तो ये पेट के ज़्यादा कराएंगे, पेशेंट को लंग्स की बीमारी है तो इस तरह से बोलेंगे यहाँ पे ज़्यादा दबाव दें, पेशेंट को अगर लोअर एब्डोमेन का कुछ इशू है, सिंपल देखो यहाँ से यहाँ का कुछ है तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ का कुछ है तो ये बीच वाले पोर्शन को, पेट का कुछ है तो ये सेंटर वाले को, लोअर का कुछ है तो लोअर में। तो इस तरह से हम मरीज को डायरेक्शन देंगे कि पैर को उसी तरह से रखे, तो रिजल्ट और ही बेहतर देगा, परिणाम बहुत ही रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। एक खान पान का भी तो रोल है, थोड़ी सी आपकी सलाह भी मरीज को देनी होगी कि कौन सी बीमारी में क्या खाए, तो वो भी आप गाइड करें पेशेंट को इसके साथ। और आपको क्यों प्रेशर का नॉलेज है तो उन पॉइंटों को भी बाद में उसको प्रेशर करना सिखाएं। अभी हमने सारे पॉइंटों पे कलर का भी बताया कि उन पॉइंटों पे कलर कैसे लगाते हैं, तो इसके साथ यह सारी चीज़ें अगर जोड़ करके आप करते हैं तो आपका पेशेंट जरूर, उसके जीवन में एक आशा की किरण आएगी और वह स्वस्थ होगा, निरोग होगा।